नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 60 विकास नगर में, और विकास नगर के पार्षद पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ेंगे रंजीत चौहान जी। रंजीत चौहान जी उर्फ बीरू भी कहा जाता है, क्योंकि युवाओं में प्रसिद्ध है बीरू नाम। नेताजी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फास्टर प्लस न्यूज में। फास्टर प्लस न्यूज को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बड़े भाइयों को हृदय से गहराइयों से धन्यवाद। नेताजी, जब आप चुनाव प्रचार, चूंकि पार्षद पद के उम्मीदवार है, चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, तो वार्ड की समस्या जो है देखने को मिल रहा होगा, क्या क्या समस्याएं आप देख पा रहे हैं? वार्ड नंबर 60 में विकास तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। ये 5 साल भाजपा के वर्तमान पार्षद जी भी हैं, सरकार में केंद्र भी में उनका भी राज है, राज्य में भी उनका राज है, केंद्र दोनों की सरकार है, तब पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे वार्ड में मैं तो डोर टू डोर, घर टू घर मिल रहा हूँ सारे माताओं बहनों भाइयों से। उन लोगों का समस्याएं इतनी हैं कि हम व्यर्थ नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोगों को तो आवास की जरूरत है, जहाँ पे आवास नहीं मिला है। कितने लोगों को नाली टूटे फूटे हुए हैं घर के सामने, वो नहीं हुआ है। डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप है, जहाँ पे पहले 2016-17 में क्या होता था, हर हफ्ते में 2 बार नाले में छिड़काव हो जाता था, अब क्या 6-6 महीना साल साल भर तक नहीं हो रहा है। छोटे नाले जो हैं एकदम चोक से भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि बड़े नाले जितने भी हैं, पहले साल भर 6 महीने पर एक बार साफ सफाई कर दी जाती थी, और अब क्या है, 2-2 साल 3-3 साल तक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण छोटे नाले चोक कर ले लिए जा रहे हैं। जहाँ पे रोड टूटे फूटे हुए हैं, वहाँ पे क्या है कि सारी माताओं बहनें कैसे आने जाने की रहेंगे? ठीक है, जेंट्स तो है, ठीक है कि भाई अपना पैंट उठाकर चले जाएंगे, लेकिन माताएं बहनें अपनी साड़ी नहीं उठाकर आ पाएंगी। ये तो तमाम तरीके के बात आप सारे लोग देख रहे हैं, आप लोगों को सारी बातें पता है। वार्ड संख्या 60 की जनता बीरू को अगर अपना पार्षद चुनेगी, तो बीरू क्या करके दिखाएंगे? 60 की जनता, अगर जनता का प्यार हमें मिल रहा है, अगर मुझे जनता पार्षद बनाती है, तो मेरा पहला 100% काम रहेगा कि हमारे वार्ड नंबर 60 में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। 100% हमारे प्राथमिक विद्यालय रहेगा। दूसरी काम क्या रहेगा कि हमारे वार्ड में जहाँ जहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, वहाँ पे जाल बिछवाया जाएगा, रोड बनवाया जाएगा। तीसरा काम ये रहेगा, जितने भी छोटे नाले हैं और बड़े नाले हैं वार्ड नंबर 60 में, सारे नालों का दुरुस्त किया जाएगा, साफ सफाई होगी। जनता कहती है कि जिस तरह से आप 1-2-3 करके समस्या गिना रहे हैं, इस पे काम करने के लिए कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, जीतने के बाद पार्षदों का फोन नहीं लगता, आपका लगेगा ना? अरे क्यों नहीं लगेगा, जनता जस्ट हमारे घर के बगल में हमारा आवास है, 3 जगहों पर मकान है, विकास नगर में है ही, जप्ती टोला में है ही, नका क्रॉसिंग में है ही, यादव टोला में हमारे बड़े भाई ले लिए हैं मकान बनाने के लिए। क्या मैं चारों जगह पर अपना आवास घर छोड़कर चला जाऊंगा? समस्याओं को सुनेंगे ना जीतने? क्यों नहीं सुनेंगे, यही जनता मुझे, चला खुदा ना खास्ता हमको आज तो मुझे जनता बना दी, मैं नहीं करूंगा तो फिर अगली बार मुझे गिरा देगी, मुझे तो अगली बार गिरा ही देगी। मुझे यहाँ पे अपना कायम रखना, तो मुझे काम करना है। आप युवा हैं, युवाओं का कितना समर्थन देखने को मिल रहा है आपके साथ? हमारे वार्ड नंबर 60 में हम तो ये जानते हैं कि जितना युवा मेरे साथ होगी, उतना युवा किसी और के साथ होगी। ऐसा तो नहीं वार्ड की जनता ऐसा समझ रहा है, लवंडी है, लड़कपना में बैनर पोस्टर लगवा लिए, 4 ठो लवंडा जुटा के घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना जनता सोच रही है? अगर मुझे लवंडी समझती मेरी जनता, तो मुझे जनता मुझे अपने काम के लिए मुझे घर पे बुलाकर नहीं बताती कि मेरा आवास बेटा नहीं आया है, मेरा बेटा राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा वो नहीं हुआ है। कहाँ तक पढ़ाई है आपकी? BSc फाइनल है। इतना पढ़े लिखे हैं तब क्यों राजनीति में आ रहे हैं? नौकरी में क्यों नहीं? नहीं, नौकरी नहीं करना था मुझे, क्योंकि मुझे जनता का सेवा करना था, जमीन से उठना था। तो जनता का समस्या देख के आए हैं? बिल्कुल आए हैं। क्या कह रही है वार्ड की जनता, क्या कह रही है कि बीरू जी को लाना है? वार्ड की जनता अगर बीरू को नहीं कहती, तो बीरू यहाँ तक पहुँचता ही नहीं।
और मगर मेरी बातों पे नहीं विश्वास है, हमारे बड़े भाई हैं समीर भारती जी हैं, गोलू भारती जी हैं। अरे भैया हम जीत रहे हैं नहीं तो चुनाव तुमको जीतना ही है, इतना सपोर्ट है युवाओं का, प्लस हम लोग है जो दमखम से लड़ा जाएगा इनको चुनाव जीता। गायब नहीं हो जाएंगे अन्य प्रत्याशी? नहीं गायब कहाँ हो जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। इनका सपोर्ट जितने युवा हैं पूरे यहाँ का है, हम लोग का है, सारे लोग अच्छे तरीके से इनको जिताया जाएगा। मेहनत सामने है तब कह रहे हैं ना, इस तरह से ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, चुनाव इनको जीतना ही है। विकास करा पाएंगे भैया? एकदम विकास करा पाएंगे, हम लोग साथ में हैं भैया के। भैया मानव सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं भैया, इनको जनता उठा रही है, हम लोग के कहने पे नहीं उठ रहे, पूरी जनता का सेवा करने के लिए भैया महफिल में आए हैं। बतिया पाएंगे? एकदम बतियाएंगे हम लोग। नगर निकाय में, नगर निगम में एकदम वार्ड की समस्या गिना पाएंगे भैया? हमारे क्षेत्र के भाई हैं और वीरू भैया जैसे नौजवान युवा साथी एकदम चाहिए, जो सब वार्डों से वार्ड नंबर 7 विकास नगर बहुत पिछड़ा हुआ है, अगर कोई विकास कर सकता है तो मेरे बड़े भैया रंजीत वीरू चौहान कर सकते हैं। चुनाव के बाद भाग गए तो कहाँ भागेंगे, हम पकड़ के इनको ले जाएंगे, एकदम कराएंगे। ये भागने रहते थे हम उतने दूर से, क्षेत्रीय भाई के पास मिलने आते हैं, बड़े भाई हैं, दिए हुए नहीं ना ये क्यों देंगे, हमें दिल से चाहते इनको हम, इसलिए आए हैं। वार्ड की जनता में सही सही बताइएगा कि जमीनी स्तर पे क्या कह रही है जनता? जमीनी स्तर पे यही कह रही है कोई काम नहीं हुआ है, जो पहले के कोई भी पार्षद हो युवा नेता हो, लेकिन बड़े भैया हैं, अगर ये जीते तो विकास करेंगे, विकास नगर का क्षेत्रीय सफल करेंगे। नेता जी सब आप ही की तरफ से बोल रहे हैं ये लोग? कुछ हम नहीं बोल रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे कर लीजिए, आप ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे कर लीजिए। मैं क्या, चलिए मैं तो यहाँ तो ठीक हूँ, आप 100 कदम बाहर चले जाइए, मैं तो यहीं पे बैठा रहा हूँ। हम लोग वार्ड में गए हैं, वार्ड की जनता से पूछे हैं तो जनता कह रही है कि जिस तरह का विकास होना चाहिए था वार्ड में, उस तरह से कहीं ना कहीं विकास को अछूता है। वार्ड संख्या 60 विकास नगर, नाम तो विकास नगर पड़ गया लेकिन विकास एकदम है या नहीं है, वहाँ पे विकास अभी करना काफी बाकी है, ये जनता कह रही है। हम लोग बातचीत किए हैं नेताजी, उन लोगों में एक आशा है कि हमारा काम जो है वीरू जी करा पाएंगे, तो वीरू जी उनके आशा को तोड़ेंगे कि पूरा करेंगे? अच्छा तोड़ना रहता, मैं तो 5 सालों में 48 आवास दिलाया है आपने? हाँ 48 लोगों को मैंने आवास दिलाया है। तो वो सब जो काम कराए हैं वो जनता याद करके इस समय आपका सपोर्ट कर रही है कि भूल गई है? अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, मैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए आया हूँ। जो प्रत्याशी अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आ जाए पैसा बांटेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, आप कितना बांटेंगे? मैं पैसा नहीं बांटूंगा, मेरे पास पैसा नहीं हूँ, मैं गरीब किसान का लड़का हूँ, मैं पैसा नहीं बांट पाऊंगा। हाँ बिना पैसे जीतेंगे? हाँ मैं बिना पैसे से जीतूंगा। वार्ड की जनता भी कह रहे हैं सब की खरीद लेंगे वार्ड की जनता, तो क्या आपकी वार्ड की जनता वार्ड संख्या 60 की जनता बिकाऊ है, बिक जाएगी? अगर वार्ड की संख्या अगर ऐसी रहती तो अंबानी बैठे हुए हैं, आज के डेट में वो कहाँ रहते हैं हम लोग को नहीं जानते, तो नीचे के लोग नीचे ही रह जाते हैं। क्या कहेंगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 60 की जनता से, क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, मैं कोशिश ये करूंगा कि वार्ड नंबर 60 विकास नगर में अपने अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो विकास की जो भी मुद्दे हैं वहाँ तक मैं पूरा ये कोशिश करूंगा कोई भी टूटी फूटी ना रहे। अभी हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 60 विकास नगर में, अब पार्षद पद के उम्मीदवार रंजीत चौहान उर्फ वीरू जी हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इनका जो भी वादा है वो हमारे पास आम रिकॉर्डेड रहेगा। अगर यहाँ की जनता इनको पार्षद चुनती है और इन मुद्दों पे काम नहीं करते तो फास्टर प्लस न्यूज दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा? एकदम तैयार हूँ, आप 1 महीने बाद आइएगा चुनाव जीतने के बाद भी। नेताजी के लिए कमेंट करके बताइए कि नेताजी इसके पहले कुछ काम करा पाए हैं कि नहीं करा पाए हैं, आगे अगर ये पार्षद बन जाते हैं तो चुनाव में कुछ करके दिखा पाएंगे, विकास नगर का विकास करके दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखते रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।